आदमपुर के उपचुनाव में कौन है खिलाड़ी नंबर दो? आदमपुर के दंगल में किस नेता का एक बड़ा है प्रभाव? आदमपुर के दंगल में नहीं उतरने के बावजूद कौन से नेता पर रहेगा खास फोकस? आदमपुर के दंगल में कौन से नेता का देखा जाएगा दमखम? आदमपुर के दंगल में कौन से नेता का मांगा जाएगा हिसाब? आदमपुर के दंगल में किसकी होगी शान की अग्नि परीक्षा? आदमपुर के दंगल में कौन से चेहरे पर रहेगा सबका खास निशाना? जी हाँ, हम एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जो आदमपुर में चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका इस चुनावी दंगल में सबसे खास है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। प्रदेश की पॉलिटिक्स में गैर जाट वोटरों के सबसे बड़े चेहरे बन चुके मुख्यमंत्री मनोहर लाल आदमपुर के उपचुनाव में अभी तक नहीं उतरे हैं, लेकिन उनका चेहरा इस उपचुनाव पर बड़ा असर डालने जा रहा है। भाजपा की तीसरी बार सत्ता हासिल करने के रास्ते में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हैं। भाजपा मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में 8 साल की सत्ता भोग चुकी है। ऐसे में उपचुनाव का परिणाम मनोहर लाल खट्टर के कामकाज पर जनता की मुहर होगा। अगर हार होती है तो मनोहर लाल खट्टर के फेल होने का पूरा ठिकरा फोड़ा जाएगा। अगर जीत होती है तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार की नीतियों की जीत मानी जाएगी। जीत जितनी बड़ी होगी, खट्टर साहब का रुतबा उतना ही बढ़ेगा। इसलिए भाजपा ने इस चुनाव को अपनी सरकार का सवाल बना लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी रास्ते पर चलते हुए प्रदेश की पॉलिटिक्स में अब गैर जाट वोटरों के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। कांग्रेस द्वारा कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष नहीं बनाए जाने के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की राह आसान हुई। आज मनोहर लाल खट्टर के सामने न तो बीजेपी में कोई चैलेंज है, न ही जेजेपी में कोई चैलेंज है, न ही कांग्रेस में कोई चैलेंज है, न आम आदमी पार्टी में कोई चैलेंज है और न ही इनेलो में कोई प्रतिद्वंदी है। जी हाँ, ये सही बात है कि चौधरी भजनलाल के बाद अब एक और लाल यानी मनोहर लाल हरियाणा की पॉलिटिक्स के, गैर जाट पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। आदमपुर के चुनाव में बेशक से ऊपरी तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कोई जनाधार नजर नहीं आता है, लेकिन यह हकीकत है कि पूरे प्रदेश के साथ साथ आदमपुर में गैर जाट वोटरों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बड़ा नाम बन चुका है। उनके प्रति जाट वोटरों में तो नाराजगी देखी जा सकती है, लेकिन गैर जाट वोटरों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय सबसे ऊपरी पायदान पर खड़े हैं। इसी वजह से आदमपुर के उपचुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खिलाड़ी नंबर दो हैं। मुख्यमंत्री जब इस चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो उनके ऊपर सबकी निगाह रहेगी। कुलदीप बिश्नोई के बाद विरोधी दल सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब चुनावी दंगल में प्रचार के लिए उतरेंगे तो विरोधियों को जहां अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब देंगे, वहीं विरोधी दलों पर कसकर निशाना भी साधेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आने का सबका इंतजार है और इस खिलाड़ी नंबर दो के तेवर उनकी परफॉर्मेंस आदमपुर उपचुनाव पर बड़ा असर डालने का काम करेगी। यह हकीकत है कि आदमपुर के उपचुनाव को हरियाणा में सरकार के गठबंधन सरकार के 8 साल के कामकाज का पैमाना माना जा रहा है, उनका निचोड़ माना जा रहा है, उनका हिसाब किताब माना जा रहा है। ऐसे में इस उपचुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जहां अपने रुतबे का परिचय देंगे, जहां अपनी सरकार की सफलता पर जनता की मुहर लगवाएंगे, वहीं यह भी साबित करेंगे कि उनकी अगुवाई में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रुतबा इस उपचुनाव में कितना घटता है या कितना बढ़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने सिपहसालारों यानी कि मनीष ग्रोवर को यह साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि आदमपुर में बड़ी जीत दर्ज होनी चाहिए और इसके लिए कोई कोर कसर ना रखी जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, इसलिए भाजपा ने भव्य को अपनाते हुए भव्य जीत का दावा किया है और आदमपुर में 1 लाख वोट हासिल करने का दावा किया है। अब देखने की बात यह है कि आदमपुर की जनता इस खिलाड़ी नंबर दो को पास करती है या फेल करती है।